Assalamu alaikum, dear friends and students. This is our second lecture on business ethics. Before this, we studied a case study regarding river plants, where the scientist discovered the solution of that disease and the manufacturing company, pharmaceutical manufacturing company, the Merck's provide the solution, even though they bear a lot of cost on it, but they have served to the humanity, and eventually they get the benefit by that sacrifice. Now, this is the first topic on the business ethics. The first topic is morality. What is morality? The standards that an individual or group has about what is right and wrong, or good and evil, that is morality. Morality kya hai? Kuch standards jo ke individual level pe, infradi satah pe ya group ki surat mein hum log rakhte hain, hamare mayar, muashre mein rehne ke mayar, जिनकी बिना पे हम फैसला करते हैं कि ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ ठीक नहीं है या ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, उन स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं मोरालिटी। अब मोरालिटी जो है वो किसी भी जगह पे हम यूँ नहीं कह सकते कि ये कांस्टेंट चीज़ है और सबके लिए मोरालिटी जो है या मॉरल स्टैंडर्ड्स में एक ही होंगे। हर मुआशरे में, हर इंडिविजुअल में, हर फैमिली के अंदर, शहर में, सूबे में मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं या स्टैंडर्ड जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, और लोग जो हैं उन स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पे ही अपनी मोरालिटी को कंसीडर करते हैं और किसी चीज़ को अच्छा या बुरा जानते हैं। इसलिए मुआशरे जो हैं अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ग्रो अप होते हैं, और जितने अच्छे मोरालिटी या स्टैंडर्ड्स हम अपनाते हैं उतना अच्छा मुआशरा जो है वो कंसीडर होता है। अब मोरालिटी को फर्दर समझने के लिए मैं आपके साथ एक और सेकंड केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये केस स्टडी अमेरिका के अंदर A-7D एक एयरक्राफ्ट है जिसकी ब्रेक्स बनाने के लिए उन्होंने एक ऑर्डर किया, और ऑर्डर जो है वो विन किया जब ऑक्शन हुई, तो BF गुडरिच, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीकल पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है, जिसने इस जहाज की ब्रेक बनाने की जिम्मेदारी ली और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीता। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद US फोर्स ने उनको बताया कि हमें इस तरह से जो है वो ब्रेक चाहिए और इतने पाउंड्स की, और इसमें इतने रॉकेट्स लगे हों, और ये उसका काम होगा। अब जरा गौर कीजिए कि जो चीज़ें मेन समझने वाली आप जहन में रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि केस क्या है। एक तो यह है कि अमेरिका के अंदर एयरक्राफ्ट, US एयर फोर्स का जो क्राफ्ट है A-7D, उसकी ब्रेक बनाने का ऑर्डर है जो कि BF गुडरिच, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हीकल पार्ट्स ने लिया है। अब वो ऑर्डर जो है वो शुरू होता है, तो जब ऑर्डर शुरू होता है तो गुडरिच इंजीनियर जो कंपनी है उसके जो सीनियर इंजीनियर है जॉन वॉन, वो ब्रेक डिजाइन करता है, और डिजाइन करने के बाद एक यंग इंजीनियर जो अभी जब भी अपने यूनिवर्सिटी से फारग होकर उसने इंजीनियरिंग फर्म ज्वाइन की है गुडरिच, जिसका नाम है सर लॉसन, उसको भी जॉब देता है कि आप जो है वो इस ब्रेक को टेस्ट करें, इसको चेक करें कि ये ठीक है, ये प्रॉपर काम करती है नहीं करती, ताकि इसकी क्वालिफाइंग रिपोर्ट जो है हम बना के आगे फॉरवर्ड कर सकें। लॉसन जो है वो एक प्रोटोटाइप बिल्ड करता है और ब्रेक के टेस्ट लेने शुरू करता है, लेकिन वो नोट करता है कि जब ब्रेक की हीट जो है वो 1500 डिग्री से ऊपर जाती है तो ब्रेक डिसंगेज हो जाती है, ब्रेक प्रॉपर लगती नहीं है, वो रोटर्स को छोड़ देती है, जिसकी वजह से ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करती, और ये खतरा है कि हादसा जो है वो रूनमा हो सकते हैं। उसने कई दफ़ा ये ट्राई की, जब हर तरह उसने ट्राई करके देखा, और उसने देखा कि जो सरफेस है वो प्रॉपर काम नहीं करती या सरफेस छोटी है, और अगर सरफेस को बड़ा कर दिया जाए, जो ब्रेक की जगह है वो बढ़ा दी जाए, तो पॉसिबल है कि ब्रेक प्रॉपर तौर पे काम करे। उसने जो यंग इंजीनियर लॉसन था वो वारन के पास जाता है जो कि मेन इंजीनियर, और उसको बताता है कि भाई ये मसला है,
आपने जो ब्रेक डिजाइन की है उसमें ये इशू है, जब भी हीट 1500 डिग्री से ऊपर जाती है तो ये प्रॉपर ब्रेक काम नहीं करती और ये खदशा है कि जहाज जो है वो तबाह ना हो जाए ड्यूरिंग लैंडिंग। अच्छा, अब वो ज़ारा वॉरन सीनियर इंजीनियर था, उसने उसका मजाक उड़ाया, उसने कहा तुम एक ग्रीन किड किड हो और तुम्हारा इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हें जो काम कहा है वो तुम बस चेक करो और डिफरेंट मटेरियल के साथ टेस्ट करके देखो, ये लेदर के साथ या और मटेरियल के साथ जिसके अंदर ये ब्रेक जो है ज़्यादा अच्छा काम करे और हीट अप ना हो। डिज़ाइन जो है मैंने करके जो ब्रेक दी है वो बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर आप क्रिटिसिज्म ना करो। लेकिन जो लॉसन था, क्योंकि एक यंग था, एनर्जेटिक था, वो अपनी एफिशिएंसी भी शो करना चाहता था ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो वहाँ से निकला और सीधा प्रोजेक्ट मैनेजर जो था वो उसके कमरे में घुस गए। उसको जाकर उसने कहा कि भाई ये मसला है, मैंने सीनियर इंजीनियर वॉरन जो है उसको बताया भी है, लेकिन वॉरन जो है वो इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है और वो कहता है किसी डिज़ाइन को कैरी ऑन करो और उसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करो। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी कहता है कि हाँ जो सीनियर इंजीनियर ने कहा है तुम उसको फॉलो करो, और वो हमारा बहुत अच्छा इंजीनियर है, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले भी कंप्लीट किए हैं और तुम उसकी जो बात उसने तुम्हें कही है उसके ऊपर अमल करो। लिहाजा अब जो लॉसन था उसके पास और कोई चाराकार नहीं था कि वो जाता और आराम से जाके अपना काम शुरू करता, उस तरह से मटीरियल जो है वो अप्लाई करता रहता और अगर उसमें उसको बेहतर होता तो वो उसको अपने सीनियर इंजीनियर को बताता। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ से कुछ देर बाद सेवरल वीक्स लेटर लहसन जो है लहसन उसने अप्रोच किया उस बंदे को जो कि ब्रेक या कोई भी पार्ट बनने के बाद उसकी टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो लिखता था। तो इस सिलसिले में एक जो टेक्निकल राइटर था जिसका नाम था कर्मिट वैंडिवियर, कर्मिट वैंडिवियर के पास वो गया और उसने बताया कि इस ब्रेक के अंदर ये जो है फ्लॉ है, तो इसलिए तुम इसकी क्वालिफाइड रिपोर्ट ना लिखो, इसकी ओके की रिपोर्ट ना लिखो, क्योंकि अगर हम ये लिखेंगे तो ये खदशा है कि ये कहीं नुकसान ना पहुंचाए, इंजरी ना हो जाए या किसी पायलट की डेथ ना हो जाए। अब वो बड़ा हैरान हुआ जो टेक्निकल राइटर था, उसने कहा कि यार ये तो बड़ी हैरान कन बात है कि कंपनी जो है वो इस तरह से काम कर रही है और इतनी बड़ी गलती की जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो है वो तैयार है, वो खासा टेंशन में आ गया। लेकिन अब ज़ाहिर है वो भी एक मुलाजम था वहाँ पे, इसलिए सारे जो हैं वहाँ पे फिलहाल खामोश हो गए। लॉसन ने मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स ट्राई किए, डिफरेंट मटेरियल ट्राई करता रहा ब्रेक के ऊपर, फिर उसने उसके साथ कुछ स्पेशल ठंडा रखने वाले फैंस ऐड किए ताकि ब्रेक ज़्यादा हीट अप ना हो और वो काम कर सके, लेकिन फिर भी टेक्निकल इशू के उसके ब्रेक के अंदर 1000 pounds पर स्क्वायर इंच का प्रेशर उन्होंने समझा हुआ था कि वो आएगा, लेकिन एक्चुअली जो प्रेशर काउंट हुआ वो 1100 pounds पर स्क्वायर इंच था, इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो ब्रेक जो है उस एंगल में काम नहीं कर रही थी। अब जो कर्मिट वैंडिवियर था जो टेक्निकल राइटर है इसमें, उसने लॉसन की जब बात सुनी तो वो भी टेंशन में आ गया कि ये अगर मैंने रिपोर्ट लिखती और ये रिपोर्ट फेक है तो यूएस एयरफोर्स को हमने ये डिलीवर कर देना है, कल कोई ब्रेक काम नहीं करेगी तो वो प्लेन जो है वो तबाह हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमें वो ज्यादा जो है वो भुगतना पड़ेगा। अब जो कर्मिट था उसने डिसाइड किया कि मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है इंचार्ज ऑफ द सेक्शन उससे बात करूँ कि भाई ये मसला है, लिहाजा उसके पास गया, उसने उसको बताया कि ये मामला है और आप इसको देखें। उसने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, इंजीनियर ने अगर ओके कर दिया है और टेस्ट हो चुके हैं तो तुम अब रिपोर्ट लेके ओके कर दो अगर ठीक है तो, हमें इसमें क्या एतराज़ हो सकता है। और उसने इनकार कर दिया कि मैं इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब सिचुएशन देखिए कि जो सीनियर इंजीनियर है वो भी और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी और जो सेक्शन हेड है एग्जीक्यूटिव है वो भी, वो तीनों के तीनों क्योंकि बिजनेस लाइन में और वो तीनों के तीनों ये चाहते हैं कि ये ब्रेक बने और इसकी कोड की रिपोर्ट बने और ये चली जाए। लेकिन कर्मिट जो है जो कि टेक्निकल राइटर है वो कंफ्यूज है और उसने एक लेवल पे आके ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। लेकिन उसके बाद जब वो घर गया तो उसने सोचा कि अगर मैं नहीं ये रिपोर्ट लिखूंगा तो कोई और लिख देगा, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा कोई और काम कर देगा, लेकिन अगर मैंने ये रिपोर्ट ना लिखी
तो डेफिनेटली या मुझे रिजाइन करना पड़ेगा या मुझे जॉब से निकाल देंगे, फिर मेरे लिए दूसरी जॉब लेना। और रिसेंटली जो मैंने एक नया घर खरीदा है अपनी वाइफ से मिलके, वो जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, उसके दूसरे इश्यूज हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब उसने घर में जाकर ठंडे दिमाग से सोची और उसको समझ आई कि ये तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इस तरह का स्टैंड लेना, तो उसने सुबह सेक्शन हेड को फ़ोन किया और उसे कहा कि मैं रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार हूँ। अब उसने जो है वो रिपोर्ट लिख दी, रिपोर्ट बन के चली गई, रिपोर्ट पब्लिश हुई और इवेंचुअली यूएस एयरफोर्स ने उन ब्रेक्स को अपने A7D टेस्ट प्लान जो है लेंस के अंदर जो है वो लगा दिया और पायलट्स ने उड़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे पूरा केस आपने सुना कि इसके अंदर दो करेक्टर जो हैं, एक लॉसन और एक वेंडवियर जो कि टेक्निकल राइटर है, लॉसन जो है यंग इंजीनियर है, ये दो लोग हैं जो कि पॉजिटिव माइंड रखते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेक जो है इसमें ये फ्लॉ है, नहीं लगनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो सीनियर इंजीनियर है और जो दूसरे लोग हैं वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, वैरन और प्रोजेक्ट मैनेजर और ग्रीनविच का जो सेक्शन हेड है वो कहते हैं कि नहीं ठीक है इसको लगा दो। अब ये जो चीज़ जो है इन दो लोगों का, एक चीज़ को बुरा समझना और दूसरों को बुरा ना समझना, दैट इज मोरालिटी, दैट इज अ स्टैंडर्ड, आपका माशरे में एथिकल स्टैंडर्ड है कि आप एक चीज़ को बुरा समझते हैं और एक बंदा है जो उसको बुरा नहीं समझता। लिहाजा हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल की अपनी मोरालिटी है, अपने स्टैंडर्ड्स हैं और उनके मुताबिक ही वो ज़िंदगी जो है गुजारता है। जो हाई स्टैंडर्ड लेते हैं, हाई एथिकल ग्राउंड्स लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी निखर जाती है, वो माशरे में जो है एक अलम काम पाते हैं, और जो लो मॉरल स्टैंडर्ड्स लेते हैं वो डेफिनेटली सफ़र करते हैं। अब यहाँ तक तो आपको मैंने बात जो समझाई है और जो क्लियर की है वो है मोरालिटी, यानी कि मोरालिटी क्या है, मोरालिटी इज़ द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप जिनकी बेस पे हम किसी चीज़ को बुरा या अच्छा या बेहतर या ख़राब जो है वो कहते हैं, दैट इज मोरालिटी। अब हम आते हैं मोरालिटी से निकल के आगे मॉरल स्टैंडर्ड्स। मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? मोरालिटी तो सिर्फ स्टैंडर्ड्स है ना, कि हम सिर्फ कहते हैं स्टैंडर्ड्स मीन मोरालिटी। अब मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या है? द नॉर्म्स अबाउट द काइंड्स ऑफ एक्शंस बिलीव्ड टू बी मॉरली राइट एंड रॉन्ग एज वेल एज अ वैल्यूज प्लेस्ड ऑन व्हाट वी बिलीव टू बी मॉरली गुड एंड मॉरली बैड। ठीक है, मॉरल स्टैंडर्ड क्या है? जिनकी बुनियाद के ऊपर आप ये फैसला करते हैं कि ये चीज़ जो है वो मॉरली ठीक है और ये चीज़ जो है मॉरली गलत है। जिस तरीके से इसके अंदर लॉसन जो यंग इंजीनियर है और वेंडवियर जो कि टेक्निकल राइटर है, उन्होंने अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर यह फैसला किया कि ये जो छोटा सा इशू है ब्रेक में, ये एथिकली ये मॉरली हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक ये गलत है। ऑन द अदर हैंड जो सीनियर इंजीनियर है, वैरन और प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसके साथ जो सेक्शन हेड है ग्रीनविच इंजीनियरिंग कंपनी का, उनके नज़दीक जो है ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसलिए मॉरल स्टैंडर्ड जो हैं वो हर बंदा इंडिविजुअल ग्रुप या कंट्री के लेवल पे, नेशन के लेवल पे ये चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड किसके क्या हैं और वो किस लेवल पे अपने आप को प्लेस करते हैं। अब मॉरल स्टैंडर्ड जो हैं वो क्योंकि डिफरेंट होते हैं, और एक होते हैं नॉर्मल मॉरल स्टैंडर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑन एंड नॉन मॉरल स्टैंडर्ड्स। मॉरल स्टैंडर्ड का दूसरा नाम जो है वो कन्वेंशनल वैल्यूज, कन्वेंशनल नॉर्म्स, हमारी रवायती रहन सहन के तरीके जो हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन मॉरल स्टैंडर्ड्स या कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, द स्टैंडर्ड्स बाय विच वी जज व्हाट इज गुड और बैड एंड राइट और रॉन्ग इन अ नॉन मॉरल वे। यानी कि रवायती तरीके से हम कुछ चीज़ें कहते हैं, हमारी रवायात होती हैं, रस्म और रवाज होते हैं, हम उनकी बुनियाद पे भी अपने स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं कि उसके मतलब हम कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी हुई है, ये चीज़ जो है वो बुरी हुई है। जैसे शादी ब्याह के अंदर बहुत सारी रसूमात ऐसी होती हैं जो कि अखलाकी तौर पे उनका अमल दखल इस तरह से नहीं होता, वो बेसिकली रवायती तौर पे होता है। जैसे ये मेहंदी है, तेल है और बहुत सारे म्यूज़िक हैं, ये वो, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये इनका
मॉरेलिटी के साथ या मॉरल स्टैंडर्ड के साथ अलग नहीं है, बल्कि ये कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, नॉन मॉरल स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है इनका अलग है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें कि डिफरेंस क्या है मॉरल स्टैंडर्ड्स और नॉन मॉरल स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स का, आपस में फर्क क्या है। ग्रुप वन जो है इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, दीज आर द मॉरल नॉर्म्स या मॉरल स्टैंडर्ड्स, डोंट हार्म अदर पीपल, ये मॉरल स्टैंडर्ड है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाओ, डोंट लाई टू अदर, दूसरों के साथ झूठ ना बोलें, ये भी एक मॉरल स्टैंडर्ड है, डोंट स्टील व्हाट बिलोंग्स टू अदर्स, दूसरों की चीजें चोरी ना करो, दूसरों की चीजें ना छीनो। उसके बाद है ग्रुप टू, और ये है कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स लाइक डोंट ईट विद योर माउथ ओपन, ये खुले मुंह के साथ चीजें मत खाओ, मुंह बंद करके चीजें खाओ, तो ये हमारा कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है, इसके साथ मॉरल स्टैंडर्ड के साथ अलग नहीं है। डोंट च्यू गम इन क्लास, क्लास के अंदर जो है वो गम जो है उसको च्यू मत करो। डोंट वियर सॉक्स व्हाट दैट डोंट मैच, जो सॉक्स आपको मैच नहीं करती वो मत पहने, तो ये नॉन मॉरल या कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स हैं। ये शूज ना पहने, जॉगर्स के साथ ऊपर आप जो है शलवार कमीज ना पहने, या आप बगैर सॉक्स के शूज ना पहने, तो ये नॉन मॉरल और कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मॉरल स्टैंडर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। मॉरल स्टैंडर्ड किसी हद तक लीगल स्टैंडर्ड के पास भी, या लीगल जो हमारे लॉज हैं उनके करीब करीब चले जाते हैं, लेकिन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन और मॉरल स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। लॉ बाय फोर्स है और मॉरल स्टैंडर्ड जो है बाय अडॉप्टेशन होते हैं। लिहाजा अभी तक जो हमने चीजें समझी हैं तीन, वो एक तो केस स्टडी हमने देखा, उसके साथ हमने देखा कि मॉरलिटी क्या है। मॉरलिटी मीन्स सिंपल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप, ऑन दैट स्टैंडर्ड्स दे डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। देन हमने देखा मॉरल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, नॉन मॉरल या कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। मॉरल स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो कि सोसाइटी में आम एक्सेप्टेबल होते हैं, और उनका उनको अडॉप्ट ना करने से दूसरों को नुकसान हो सकता है, उनको तकलीफ हो सकती है। लेकिन कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रवायतन और बाई चॉइस नॉर्म्स होती हैं, अगर आप करेंगे तो माशरे में उस सोसाइटी में आपको मजीद जो है लोग अजनबी या डिफरेंट फील नहीं करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे जो कन्वेंशनल नॉर्म्स हैं या कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स हैं, देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। लिहाजा ये चीज़ें भी आपके माइंड में जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये तीन चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर हमें फर्दर कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, आपको लगता है कि आपको चीज़ समझ नहीं आई, तो आप क्वेश्चन जो हमारा लाइव सेशन होगा उसके दौरान क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके मुताबिक हम जो है वो चीज़ें मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। थैंक यू।